साइट पे पहुंच चुके हैं और आज का काम होने वाला है यहाँ पे साफ होगा, आज का काम सफाई करेगा तो। और गाइस यहाँ पे वायरिंग होने के बाद प्लास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस दिखाते हैं आज काम पे सफाई होने वाला है। ये ईंट जो है गाइस इसको साफ किया जाएगा और इस जगह पे रखा जाएगा ईंट को, तो दिखाते हैं अंदर जाके आप सभी को इस प्रकार का सफाई करना है। यहाँ पे देख लीजिए ईंट है, देख लीजिए वो ये जितना ईंट है सारा ईंट को बाहर निकालना है और ये एक जगह इकट्ठा करना है। इस रूम में भी ईंट है, देख लीजिए आप लोग, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा साफ सुथरा हो चुका है जैसे कि हम वीडियो में दिखाए थे पहले। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किया गया है, इस हॉल को यहाँ पे साफ हो गया है। उसके बाद यहाँ पे वायरिंग चलेगा, इस वॉल को वायरिंग के लिए किया जाएगा और ये बाथरूम इसमें भी वायरिंग किया जाएगा। वायरिंग करने के बाद इसमें प्लास्टिक स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टर। तो गाइस दिखाते हैं आप सभी को किस प्रकार से यहाँ पे किया गया है, तो देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से साफ सुथरा हो गया है। इसमें वायरिंग नहीं हुआ है, वायरिंग भी हो जाएगा। तो गाइस आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, हम आप सभी को दिखाते हैं इस प्रकार का वीडियो को। अगर आप लोग को इस प्रकार का मकान को बनवाना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हम लोग हैदराबाद रियल इस्टेट में इस प्रकार का बिल्डिंग को बनाते हैं। तो गाइस न्यू हो या ओल्ड हो, रिपेयरिंग हो या नया बनवाना हो, या बिल्डर हो या ठेकेदार हो, किसी भी प्रकार का काम हो तो गाइस हम लोग से संपर्क करें इस नंबर पे। हम लोग रियल इस्टेट हैदराबाद में, तेलंगाना में इस प्रकार का काम को करते हैं।